दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ सुजीत प्रयागराज से एक बार फिर आपके सामने ADS एक्सचेंज का एक बहुत ही जानकारीप्रद ये वीडियो आपके पास मैं बना रहा हूँ। दोस्तों प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि न्यू जानकारी न्यू अपडेट आप तक कंटिन्यू पहुँचती रहे। तो माई डियर फ्रेंड्स, आपके सामने जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अपनी ID पासवर्ड डाल के अपना ADS एक्सचेंज की ID ओपन कर ली है। दोस्तों ऐसे ही आपको अपना ID और पासवर्ड डाल के अपनी ID ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। किसी को फंड डिपॉजिट की रिक्वेस्ट डालनी होती है तो उसको कैसे जो है डालना है, कैसे बनाना है, कैसे कैसे फॉर्म पूरा फिलअप करना है, प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कर दीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा, जिससे कि आपको प्रॉपर A to Z पूरी जानकारी मिल जाएगी कि फ़ंड रिक्वेस्ट कैसे आपको ऐड करना है। किसी को भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपने नीचे अपनी सारी टीम का भी आप मदद कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अपनी ID ओपन कर ली है, स्क्रीन पर मेरी ID दिख रही है। इस ID ओपन करने के साथ में ही ऊपर ग्रीन कलर का कंप्लीट योर टास्क लिखा है, फिर हमारी डेली लेवल इनकम लिखी है और फिर उसी के ठीक नीचे एक ब्लू कलर का सही का निशान है और क्लिक हेयर टू डिपॉजिट रिक्वेस्ट मैनुअली लिखा हुआ है। इस ऑप्शन पर हम टच कर देंगे। जैसे कि मैंने सही का निशान लगा दिया है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस ऑप्शन को आप उंगली से टच कर देंगे। जैसे ही इस ऑप्शन को टच करते हैं हमारे सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाता है, ये स्क्रीन पर आ जाएगा। सपोर्ट का डिपॉजिट रिक्वेस्ट के लिए ये सपोर्ट का पूरा फॉर्म है, उसको फिलअप करके हमें सेंड करना होता है, जिससे कि ये रिक्वेस्ट हमें तुरंत ये 2 घंटे के अंदर में हमारा डिपॉजिट हमारे ID पर टॉपअप के रूप में आ जाता है। तो दोस्तों इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है UTR नंबर। ये UTR नंबर क्या है? UTR नंबर मैं अपने फ़ोन पे चल के आपको दिखाना चाहूँगा। UTR नंबर आपके जो बैंक से ट्रांजेक्शन किया हुआ है, जो आपके UPI से ट्रांजेक्शन किया गया है, वहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल के पास में ही ट्रांजेक्शन जो डिटेल ट्रांजेक्शन किया जाता है उसका एक UTR नंबर होता है। वो UTR नंबर यहाँ नोट करना होगा। जैसे आप देख रहे हैं मैं अपने फ़ोनपे के ऑप्शन पे आ गया हूँ। मेरा UPI फ़ोनपे से मैं चलाता हूँ तो फ़ोनपे ऑप्शन पे आ गया। जिससे भी आप अपना ट्रांजेक्शन करते हो, गूगल पे, पेटीएम, जिस UPI से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हों या आपने किया होगा, उसी UPI के ऑप्शन के ज़रिए आप अपना UTR निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक ऑप्शनल एक ट्रांजेक्शन को यहाँ पे ऐड करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आपका जो भी ट्रांजेक्शन हुआ रहेगा, सेम यही कॉन्सेप्ट उस पर आपका काम आएगा। हमारा UPI सामने खुल चुका है। अब देखिए सबसे नीचे ये हिस्ट्री लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में एकदम कॉर्नर की तरफ मैं सही का निशान लगा दिया हूँ। देख लीजिए हिस्ट्री लिखा हुआ है, यहाँ पे पहले आपको टच कर देना होगा। हिस्ट्री पे जैसे ही आप टच करते हैं तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाता है। जितने भी लोगों को आपने पेमेंट किया है, जितना भी आपने रिसीव हुआ है, ये सारा ऑप्शन यहाँ शो करने लगता है। अभी देखिए मैंने 3000 रुपये ये गणेश पुनिया के नाम से एक किसी मेम्बर्स को ट्रांसफ़र किया है। जैसे कि मान लीजिए ये कंपनी का, जहाँ पर हम अपना कंपनी को अपना मान लीजिए 3000 के जगह आपका 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जितना भी आपने कंपनी को ट्रांसफ़र किया है अपने फ़ंड में टॉपअप मंगाने के लिए, वो आपका नहीं आया है तो वो ट्रांजेक्शन आपका यहाँ शो करता रहेगा। सबसे ऊपर जैसे ये गणेश जी का मैंने टच किया, अब ये गणेश जी को ऊपर मैंने इसलिए सही का निशान लगा दिया, मैं इसी को जो है टच करके आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये सही का निशान पर आप एक बार टच कर देंगे, जैसे कि आपका जो भी ट्रांजेक्शन रहेगा उस ऑप्शन पे आप टच कर लेंगे। टच करते ही आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आता है कि आपने क्या ट्रांजेक्शन किया है, किसको ट्रांजेक्शन किया है, यहाँ पे पूरा दिखाई देता है। देखिए सबसे ऊपर जो है लिखा हुआ है 3000 ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है। उसी के नीचे ट्रांसफ़र डिटेल लिखी हुई है।
दोस्तों अब इस ट्रांसफ़र डिटेल्स के ऊपर हर एक, ये देखिए मैंने सही का निशान लगा दिया, ट्रांसफ़र डिटेल के ऊपर आपको टच करना होगा। जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसका UTR यहाँ पे होता है, आप जिस भी UPI से करेंगे तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल लिखा होता है, तो उस ट्रांजेक्शन डिटेल को आप टच करेंगे तो आपके सामने जैसे मेरा स्क्रीन पे ये ट्रांजेक्शन डिटेल खुल के आ गया। अब देखिए मेरे अकाउंट का लास्ट का 4 डिजिट दिखाई दे रहा है और उसके नीचे UTR और 3000 रुपये यहाँ दिखा रहा है। यही UTR नंबर 2349466151 60, ऐसा ही UTR नंबर आपके मोबाइल नंबर आपके उसी UPI पे शो करता रहेगा जिससे भी आपने ट्रांजेक्शन किया है। तो इसे कहीं नोट कर लेना है, जो कि यही नंबर हमें अभी जो हमारा फॉर्म खुल के आ रहा है ऊपर UTR मांग रहा है, यही नंबर हमें वहाँ फिलअप करना है। अब मैं बैक आता हूँ, अपने फॉर्म पे चलता हूँ। अब देखिए ये UTR नंबर लिखा है वो सबसे ऊपर, वो UTR नंबर हमें सबसे ऊपर यहाँ टाइप कर देना है। उसके नीचे दिया हुआ है डिपॉजिट डेट, मतलब कि जैसे कि आज का आज हमारा पैसा जो है कंपनी को गया और रिटर्न नहीं आया, तो आज की हमारी डेट यहाँ पे जो है टच कर देंगे। ये साइड में एरो का निशान बना है हल्का सा तीर का, वहाँ पे टच करके डेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके नीचे सेंडर अकाउंट नंबर और सेंडर IFSC। अब ये सेंडर अकाउंट नंबर और सेंडर IFSC कहाँ से आपको मिलेगा, अब देखिए मैं आपको ले चलता हूँ वापस से अपनी ID पर। ये मेरे ID ओपन हो गया, ठीक है। अब ये ID पर जैसे ही मैं ID ओपन करता हूँ, ID ओपन करते ही आपके सामने देखिए ये चौकोर खाने में 6 ऑप्शन नज़र आते हैं, डिपॉजिट, टॉपअप, फंड ट्रांसफ़र, ओपन टिकट। इसमें डिपॉजिट के ऑप्शन पे हमें टच कर देना है। जैसे ही हम डिपॉजिट के ऑप्शन पे टच करते हैं, ये डिपॉजिट का सही का निशान मैंने लगा दिया है, ये डिपॉजिट के ऑप्शन पे जैसे ही हम टच करते हैं तो हमारे सामने ये इंटरफेस खुल के आता है। ये हर एक की ID पर उसके अलग अलग उसी के ID का अकाउंट नंबर और IFSC कोड होता है, तो ये अकाउंट नंबर और IFSC कोड हमें कहीं नोट कर लेना होगा। और ये दोनों नोट करने के बाद वापस से हम अपनी फॉर्म पे आ जाएंगे, फिलअप करना है। दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं आप, ये हमारा फॉर्म, हम वापस आ गए हैं। अब ये सेंडर अकाउंट नंबर पे हमारा वो अकाउंट नंबर यहाँ फिलअप हो जाएगा और IFSC कोड पे IFSC कोड जो है फिलअप हो जाएगा। और अब उसके नीचे देखिए दोस्तों अमाउंट लिखा हुआ है, अमाउंट में आपका जितना भी अमाउंट कंपनी को गया है और आपके टॉपअप पे नहीं आया वो अमाउंट यहाँ डाल देंगे। और रिमार्क में लिख देंगे कि सर हमारा इतने रुपए का फ़ंड हमने कंपनी को सेंड किया है और हमारे टॉपअप पे बैलेंस अभी नहीं आया, बस इतना लिख देंगे और उसको सबमिट इश्यूज पे टच कर देंगे। सबमिट इश्यूज पे टच करेंगे, जैसे ही टच करेंगे आपकी स्क्रीन पे सबसे ऊपर ही रिक्वेस्ट नंबर आ जाएगा और लिखा आ जाएगा कि 2 घंटे के अंदर में आपके ID पर आपका पैसा रिटर्न आ जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा कंप्लीट जो हैगा फंड डिपॉजिट रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट बटन ज़रूर करिएगा जिससे मुझे पता चले कि हाँ हमारी वीडियो सही बन रही है या कुछ उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी लीडरों को जो है आप सेंड करके उनकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड लव यू ऑल।